हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रव्यपाल व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे व्लॉग में। तो ये देखिए जी, हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा रही थी झाड़ू, और उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और देखते रहिए हमारे डेली के रूटीन। देखिए, मेरे बाबा जी उतार रहे हैं घास। खेत में गए थे, अभी आए। तो ये देखे जी, रवि के पापा जी पूरा दिन इतना हार्ड वर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी हालत इसीलिए ख़राब रहती है ज़्यादातर, क्योंकि हम पूरा दिन खेत में रहते हैं। और फिर खेत में तो आप सबको पता ही है कि इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो सिर्फ सांझ के टाइम ही नहाना मिलता है इनको, और फिर तभी आराम करते हैं। शाम के टाइम भी रात को जाते हैं मिल में, और फिर 10-11 बजे आते हैं। पूरा दिन ऐसा ही हार्ड वर्क चलता रहता है इनका। और यह है कि अपने बच्चों की खातिर मेहनत तो सभी को ही करनी पड़ती है, जैसा भी अपना काम है। तो ये देखिए जी, आज है दिन संडे का, और बच्चे नहा धोकर हो गए हैं रेडी। इधर देखो, आज भी नहा दिया हम मम्मा के। चलो मम्मा के चलेंगे। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? बेटा हाथ में यो चैन में आ जाओगे हाथ। और इधर मेरा अभिराज भी हो गया है ना, दो कर रेडी। हाँ बेटा, हाँ आदि भी जावेगा। पहले छुट्टी तो पड़ जाने, आदि बड़ा भैया है ना, कल गई थी स्कूल। रवि तो एक दिन स्कूल गई, और अगले दिन संडे हो गया। तो ये देखिए जी, हम सभी नहा धोकर हो गए हैं रेडी, और आज है दिन संडे का, और अपना घर भी साफ सुथरा कर दिया है हमने। देखो एकदम फ्रेश चकाचक हो रहा है। हाँ बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं, क्या करना मम्मा का जाके? और मम्मा पैसे देंगे? क्यों, तेरे पापा जी नहीं देते? दे रहे तेरे पापा जी? तेरे पापा जी दे रहे पैसे? ये है ना, इनका हर रोज मम्मा जी के चलो, मम्मा जी के चलो। हाँ बेटा, मैं कौन देवे? मम्मा देवे। अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये देखिए जी, कितनी तेज धूप हो रही है, और मैंने कपड़े धोकर डाल दिए हैं, और मशीन तो खराब हो ही गई थी कपड़े सुखाने की, अब तो ऐसे ही सुखा कर धोकर डालने पड़ा है। पर यह है कि धूप बहुत ज्यादा हो गया तो सूख जा गया है पूरा दिन में कपड़े। लाइट तो आई रही थी बेटा, वो तो कूलर बंद कर रखा था।
लाइट तो आ रही थी मम्मी। और इधर कमरा भी एकदम चकाचक कर दिया है, ये देखो साफ सुथरा। और आदि भी नहा धो के रेडी हो गया था, जो कि मैंने अभी दिखा था, अभी ये पढ़ाई करेगा और मैं बनाऊंगी खाना। हाँ बेटा, कहाँ से? ठीक है, तेरे भाई को भी लेकर जाएंगे। अच्छा वो बता, परी कहाँ है? परी दीदी, परी दीदी तो मम्मी में जा रही, वो तो वहीं रह करेगी। और इधर चल रही है भैंसों की धुलाई। ये कपड़े निकाल के नुआवे ना, जब भी नुआवे बहुत सोने कपड़े पहन के रखे है ना ये 24 घंटे। हैं इनके पैर गंदे हो रहे? हाँ गोबर में हो रहे इनके पैर। हाँ कूद के दिखाओ। तो देखिए जी, आज खाने में बनाएंगे हम आलू और गोभी। इधर मैंने एक फूल गोभी का ले लिया है, उधर आलू, टमाटर, प्याज और धनिया। और सबसे पहले करती हूँ मैं आलू की कटिंग। जल्दी रखो प्रांत में। तो ये देखिए जी, मैंने आलू छील लिए हैं। तो सबसे पहले आलूओं को धोएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ प्याज काटने। तो ये देखिए जी, मैंने आलू धो लिया है एकदम फ्रेश, और टमाटर भी धो लिए है। बेटा आप पीछे हो जाइए थोड़े से। तो सबसे पहले हम तैयार हो कटिंग करने के बाद, आलू कटिंग करने के बाद फिर करेंगे टमाटर की कटिंग। और आलू नहीं, मीठे मीठे से लगे हैं आज, इनको पहले फ्राई करेंगे तेल में, देखते हैं ये मीठे क्यों लगे। नमक डाल के पहले फ्राई करेंगे। हाँ बेटा,
करेंगे, आलू फ्राई करेंगे इसमें पहले। मम्मी हाँ बेटा क्या कह रहे आपको? तो ये देखिए जी, इधर मैंने आलू फ्राई कर लिए हैं पहले, और इधर मैं गोभी करने लग रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि उसी कढ़ाई में बना लें, लेकिन माने के लिए ज़्यादा भर जाएगी और ना मैंने रखी नहीं अच्छी तरह मिक्स करने के, तो मुझे अब कुकर में ही छोड़नी पड़ेगी अभी सब्जी। तो अभी कुकर दिए बेटा, कुकर मैंने रख लिया है और बहुत अच्छी खुशबू सी आ रही है मैं सर फ्राई करने के बाद। तेल भी तेल नहीं है इसमें नीचे बिल्कुल भी, और अभी मैं इसमें हल्का सा तेल डालूंगी, ज्यादा नहीं, बस बस लाल हो चुका है। अब डालूंगी मैं इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी। टमाटर डाल दिए थे मैंने, तो मैंने सभी मसाले मिक्स कर दिए थे, अब मैं पकने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी 5 मिनट तक पकते रहेंगे ही, और उसके बाद डाल लेंगे आलू और गोभी। ये देखिए जी, मसाले हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। और अब डालूंगी मैं इसमें आलू, आलू गोभी की सब्जी कुकर हो गई है तैयार हमारी, एकदम स्वादिष्ट खुशबू और अच्छी आ रही। और बाकी बनने के बाद टेस्ट करके देखेंगे कितनी अच्छी बनी, क्योंकि आज बिल्कुल नए तरीके से बनाई मैंने। तो देखिए जी, सब्जी हमारी बनकर हो गई थी तैयार, और अब डाल लूंगी मैं इसमें हरा धनिया। अब हो गई है हमारी गोभी आलू गोभी बनकर प्रॉपर तरीके से तैयार, और इधर मैंने पूरियां बना दी है, और ये हमारी थाली लगकर हो गई है तैयार, अब सभी खाने के लिए है रेडी।